हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल कुकिंग विद पिंकी में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी स्पेशल रेसिपी है जैन दाल मखनी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसे बनाने में हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। हे गाइस, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अनदर वीडियो फ्रॉम कुकिंग विद पिंकी। दाल मखनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बाउल आखा उड़द लिया है और लगभग 2 से 3 छोटे चम्मच राजमा लिया है। आप चाहें तो आखे उड़द की जगह काली दाल भी यूज़ कर सकते हैं। अभी इन दोनों को हम एक बड़े बाउल में डालकर मिक्स कर लेंगे और इसे 3 से 4 बार अच्छे से धो लेंगे। इसे हमने अच्छे से धो लिया है और लगभग 1.5 गिलास पानी डालकर इसे हम लगभग 5 से 6 घंटे के लिए भिगो देंगे। अगर आप दाल यूज़ कर रहे हैं तो उसे 5 से 6 घंटे भिगोने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ राजमा को आप भिगो सकते हैं। लगभग 5 से 6 घंटे हमने इसे अच्छे से भिगो लिया है। अभी इसे हम एक कुकर में डाल देंगे, इसे हमें बॉईल करना है। अभी हम इसमें डाल देंगे लगभग 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच नमक, 2 छोटे चम्मच हम इसमें डाल देंगे घी। घी डालने से दाल का पानी ज़्यादा बाहर नहीं आएगा और दाल का टेस्ट भी अच्छा आएगा। अभी हम इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे और इसे लगभग 4 से 5 सीटी लेकर पका लेंगे। दाल हमारी पकती है तब तक हम इसके लिए मसाला तैयार करते हैं। अभी दाल मखनी बनाने के लिए एक पैन में हम लगभग 4 से 5 छोटे चम्मच घी डालेंगे। आप चाहें तो इसे मक्खन या फिर ऑयल में भी बना सकते हैं। घी हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच आखा जीरा, 1 तेज पत्ता, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 2 हरी मिर्ची जिसे हमने इस तरह से थोड़ा लंबा लंबा कट किया है। आप चाहें तो हरी मिर्ची का पेस्ट इसमें डाल सकते हैं। अभी हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच सौंठ पाउडर, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे, उसे इस तरह से एकदम अच्छे से ग्राइंड कर लिया। अभी हम टमाटर को एकदम अच्छे से पकने देंगे। टमाटर हमारा एकदम अच्छे से पक गया है। टमाटर को हमें एकदम अच्छे से पकाना है तो दाल में टेस्ट इसका बहुत अच्छा आएगा। अभी हम इसमें मसाले डालेंगे। यहाँ पर मैंने डाला है 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, लगभग 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक। अभी हम थोड़ा सा पानी डालकर मसाले को भी हम अच्छे से पका लेंगे। मसाला हमारा एकदम अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें जो हमने दाल और राजमा बॉईल किया था वो भी एकदम अच्छे से बॉईल हो गया है, उसको इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लगभग 1/2 गिलास इसमें हम पानी डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश मलाई। यहाँ पर मैंने लगभग 1/2 बाउल फ्रेश मलाई ली है। इसे इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ी देर पकने देंगे। लगभग 4 से 5 मिनट हमने इसे अच्छे से पका लिया है। ये दाल अब हमारी तैयार है। अब हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा तड़का लगाएंगे। तड़का ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं। तड़का लगाने के लिए एक पैन में हम लगभग 1 छोटा चम्मच बटर लेंगे। आप चाहें तो घी में भी तड़का लगा सकते हैं।
बटर को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, सिर्फ इसके मेल्ट हो जाने तक ही इसे हमें गर्म करना है। जब बटर मेल्ट हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसको अब हम दाल में मिक्स कर देंगे। दाल हमारी तैयार है, अब हम इसे सर्व करते हैं। गर्मा गर्म दाल मखनी तैयार है। इसे आप जीरा राइस, पराठा या फिर रोटी किसी के भी साथ सर्व करें, ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरी हर न्यू आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।